नमस्ते, मैं डॉक्टर राधा माली, घंटी आधारित शिक्षिका, अर्थशास्त्र विभाग, जैरन कॉलेज चकधरपुर, कोल्हान विश्वविद्यालय से। आज का ये वीडियो यूजी सेमेस्टर 5 इकोनॉमिक्स ऑनर्स के विद्यार्थियों के लिए है। स्टैटिक्स पेपर से रिलेटेड है। आज हम लोग सीखेंगे कि कंटिन्यूअस सीरीज में मीडियन का कैलकुलेशन करना है। कंटिन्यूअस सीरीज जिसे हिंदी में हम लोग सतत श्रेणी कहते हैं। तो आइए चलिए हम लोग सीखते हैं कि सतत श्रेणी के अंतर्गत माध्यिका की गणना कैसे की जाती है। आइए अभी हम लोग एक एग्जाम्पल से सीखते हैं कि कंटिन्यूअस सीरीज में हम लोग मीडियन का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। कंटिन्यूअस सीरीज यानी कि सतत श्रेणी के अंतर्गत माध्यिका की गणना कैसे की जाती है। यहाँ हम लोगों ने इसके लिए एक प्रश्न लिया है, कैलकुलेट मीडियन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ क्लास इंटरवल हम लोग लिए हुए हैं, वो है 20 से 30, 30 से 40, इस तरह से करके क्लास इंटरवल है 80 से 90 तक। फ्रीक्वेंसी जो दिया हुआ है, बारंबारता दी हुई है 6, 10, 16, 18, 12, 10, 8। तो चलिए इसको हम लोग कॉलम में हम लोग एंट्री करते हैं और उसके बाद हम लोग मीडियन का कैलकुलेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्लास इंटरवल को लिख लेते हैं जो दिया हुआ है 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90। फ्रीक्वेंसी को हम लोग लिखेंगे 6, 10, 16, 18, 12, 10 और 8। अब हम लोग को क्या करना है, माध्यिका की गणना करने के लिए सबसे पहला काम जो आपको याद रखना है वो है संचय बारंबारता की गणना करना। संचय बारंबारता, इसको हम लोग कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के रूप में लिखते हैं, CF। तो CF हम लोग को तब मिलता है जब हम लोग उन फ्रीक्वेंसी यानी कि बारंबारता को जोड़ते जाते हैं। तो सबसे पहले आएगा 6, 6 और 10 को जोड़ लिए तो 16, फिर उसमें 16 जोड़ेंगे तो 32, फिर उसमें 18 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 50, फिर उसमें 12 जोड़ेंगे तो 62, फिर 10 जोड़ दिए तो 72, फिर 8 जोड़ दिए तो 80। इधर भी आप टोटल करके देखिए, यहाँ भी 80 आएगा, ये दोनों समान आएगा। अगर समान नहीं आता है इसका मतलब आपने जोड़ने में कहीं गलती की होगी। अब सबसे पहले हम लोग कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लिए, अब हम लोग आगे क्या करेंगे, आगे हम लोग यहाँ पर लिखेंगे मीडियन इक्वल्स टू साइज ऑफ एन बाई टू आइटम। यहाँ ध्यान दीजिए, हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में सीखे व्यक्तिगत श्रेणी में माध्यिका की गणना करना, खंडित श्रेणी में माध्यिका की गणना करना, तब हम लोगों ने देखा था कि मीडियन इक्वल्स टू एन प्लस वन बाई टू होता है, लेकिन सतत श्रेणी में कंटिन्यूअस सीरीज में एन बाई टू ही होगा। इसको ध्यान में आप लोग रखिएगा। तो एन कितना है, 80 बटे 2, ये हो गया आपका 40 आइटम, 40वां पद। 40वां पद किस में आ रहा है, हम लोग CF में इसको ढूंढते हैं। तो 40वां पद हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ 50 में आएगा, क्योंकि ये 32 में ख़त्म, 33 से 50 तक का वैल्यू यहाँ पर रहेगा। तो हम लोग लिखेंगे 40th आइटम लाइज इन 50 CF, 50 CF में आ रहा है। तो अब क्या होगा, इसके जस्ट ऊपर वाला को हम लोग C लिखेंगे, इसी के सामने वाला फ्रीक्वेंसी F होगा और उसी में हम लोग आगे जाएंगे, ये हो जाएगा L1। ये आपको ध्यान में रखना है, जिसमें लाई करेगा उसके ऊपर C, उसी के सीध में फ्रीक्वेंसी जो रहेगा वो F, उसी के सीध में हम लोग आएंगे ये L1। तो अब हमारा L1 कितना है, L1 है 50, F कितना है, F है 18, C कितना है, C है 32 और I यानी कि इंटरवल कितना है हमारा, कितना कितना बढ़ रहा है, 10-10 बढ़ रहा है, तो I जो है वो 10 है। अब इस फॉर्मूला में हम लोग पुट करेंगे, मीडियन इक्वल्स टू L1 प्लस N डिवाइडेड बाई 2 माइनस C होल डिवाइडेड बाई F इंटू I। तो L1 कितना है 50, N बाई 2 कितना आया है 40, C कितना है 32, F कितना है 18 और I है 10। तो यहाँ हो गया 50 जोड़ 40 में से 32 गया तो 8 बटे 18 गुना 10। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं ये आ जाएगा आपका 50 जोड़
4.44, इसको हम लोग 10 से गुना करके 18 से भाग देंगे तो 4.44 आएगा। ये दोनों को हम लोग जोड़ दिए तो ये हो गया आपका 54.44। तो ये आंसर आया। यहाँ याद रखिएगा कि L1 जितना होगा आपका 50 से 60 L1 है, तो आपका आंसर जो है वो इसी के बीच में आएगा, 50 से 60 के बीच में आएगा, 50 से कम भी नहीं आएगा और 60 से ज़्यादा भी नहीं आएगा। तो इस तरह हमारा आंसर कितना आया, 54.44, ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं कि हम लोग व्यक्तिगत श्रेणी में हम लोग मीडियन का कैलकुलेशन कैसे करना है। इससे पहले के वीडियोस में जब मीन कैलकुलेट करना मैंने आप लोगों को बताया था, तब मैंने आपको लेस देन और मोर देन अगर दिया रहेगा तो उसको किस तरह से आप घटा घटा के फ्रीक्वेंसी अरेंज करिएगा और उसमें से मीन कैलकुलेट करिएगा, ये मैंने सिखाया है। इसके लिए मैंने वीडियो बनाया है, आप लोगों ने देखा होगा। उस चीज़ को आप यहाँ भी ध्यान दीजिएगा, मीडियन का कैलकुलेशन में भी आपको इस तरह के क्वेश्चन दिए जा सकते हैं जहाँ पर आपको लेस देन और मोर देन दिया रहेगा। तो यहाँ भी आपको वही करना पड़ेगा, अगर लेस देन और मोर देन करके दिया रहेगा तो बिल्कुल उसी ढंग से आप लोग घटा घटा के फ्रीक्वेंसी निकाल लीजिएगा और फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद CF निकाल लीजिएगा और उसके बाद में आप लोग ये फॉर्मूला जो दिया हुआ है कंटिन्यूअस सीरीज में मीडियन कैलकुलेट करने का, इस फॉर्मूला में हम लोग बैठा के इसका वैल्यू निकालेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने कंटिन्यूअस सीरीज में भी मीडियन का कैलकुलेशन करना सीख लिया है। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही, दूसरे वीडियो में मैं जल्दी आप लोगों के बीच उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।